मेरी माताएं करती हैं, यहाँ पर होता है कि नहीं होता वो मालूम नहीं है हमको। होता है यहाँ पर हरतालिका तीज का व्रत माताएं करती हैं, और जब हरतालिका तीज का व्रत करती हैं उस व्रत के अंदर पूजन का क्रम होता है। एक रात्रि में आप लोग जो पूजन का क्रम करते हो, कितनी बार पूजन होती है उसमें? चार पांच बार ऐसे कुछ क्रम है उसके अंदर। तो पूजन का क्रम आप करते हो, अब पूजन के क्रम आप कर रहे हो, तो कई माताएं तो ऐसी होती हैं कि जो हरतालिका तीज का व्रत करती है, पूजन करती है, आराधना करती है, उसका चित्त कहीं दूसरी जगह लगता नहीं है। भगवान की आराधना में, पूजन में, सामान में, सामग्री में लगाना, भगवान की पूजन की तैयारी करना, पूजन के लिए जाने की तैयारी करना, भगवान की भक्ति में खो जाना। और कहीं कहीं की ऐसी होती है कि बस पहली पूजन का इंतजार करती है कि जल्दी से पहले नंबर की पूजन हो जाए और मैं जल्दी से चाय पी जाऊं। अब हमने कई लोगों से पूछा कि इसमें लिखा है हरतालिका तीज की कथा में कि दूध पीने से बिल्ली बनते हैं और ज्यादा बोलने से मेंढकी बनते हैं और सोने से अजगरी बनते हैं, तो तुम चाय क्यों पी रही हो? तो कहती हैं किताब में चाय का नहीं लिखा है। जय महाकाल साथियों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए। गुरुदेव जितने भी उपाय बताते हैं अपनी कथा में, वो सब आपको अपने इस चैनल से प्राप्त होते रहते हैं। जी हाँ साथियों, कोई भी पूजन अगर विधि के अनुसार किया जाए, नियम के अनुसार किया जाए, तो उसका फल अति शीघ्र मिल जाता है। नियम और विधि का जरूर ध्यान रखें। भगवान सबकी कामना पूरी करे। इसी के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। हर हर महादेव।